Presenting DZ City by Skyline Enterprises in the heart of Mumra. DZ City के location और ultra modern luxury lifestyle के अपने ही अलग फायदे हैं. 22 फ्लोर के बन रहे इस कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में 50% ओपन स्पेस, गार्डन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, टर्फ, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, मल्टीपर्पज हॉल, लाइब्रेरी के साथ और भी बहुत कुछ. इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पर. डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स. पालघर में हुआ दर्दनाक हादसा, दीवार से टकराई बस, एक बच्चे की हुई मौत. मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ. मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी. मुंबई से सटे पालघर जिले के जौहर बस डिपो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद आप इसका दर्दनाक हादसा भी देख सकते हैं, जहाँ पर बस आगे जाती है और पीछे की ओर जब बस आती है तो रिवर्स में आने के दौरान बस जो है एक दीवार से टकरा जाती है और वो दीवार का हिस्सा एक 11 वर्षीय बच्चे पर गिर जाता है, जिसके कारण दबने से दीवार में जो है 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है. जिस मौत के बाद जवाहर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर है सुधीर सांगे, उन्होंने बताया कि घटना को लेकर जानकारी दी गई है. उन्होंने बताया कि ड्राइवर बस को पीछे कर रहा था जब वो जवाहर डिपो के कंपाउंड वॉल से जा टकराई, जिससे दीवार का एक हिस्सा पास खड़े लोगों पर गिर गया. इस हादसे में 11 साल के लड़के ने दम तोड़ दिया, जबकि एक 15 साल का अन्य लड़का घायल हो गया है. इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि दोनों पीड़ित लड़के वो गुजरात के राजकोट के रहने वाले हैं और वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आए हुए थे, लेकिन वो इस दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए. हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें ये दर्दनाक मंजर कैद हुआ है. ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी. मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ.